नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपने शहर हिसार में और हिसार में मेरे साथ हैं 80 साल के वैद्य छबीलदास नेहरा जी। छबीलदास नेहरा जी ने 58 साल तक आयुर्वेद की प्रैक्टिस की है। आयुर्वेद के जो मंत्र हैं, आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, इनको कंठस्थ याद है। और पिछले 3 साल से ये वैदगिरी छोड़ के भगवान का जो भजन है वो कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे आग्रह पे इन्होंने आयुर्वेद पर बातें करने का मन बनाया है। तो आज वैद्य छबीलदास नेहरा जी से पूछेंगे कि आयुर्वेद में उन्होंने किन किन बीमारियों को साधा है और किन किन बीमारियों का घर पे आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो वैद्य जी का स्वागत करते हैं हम। वैद्य जी, आपका स्वागत है। मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ। एक सबसे बड़ी जो समस्या अभी जो आम देखने को मिलती है, कब्ज की है। कब्ज का इलाज नहीं मिलता। देखो, कब्ज कोई अलग बीमारी नहीं होती। दो छोटी बड़ी आते हैं, एक भृतांतर, एक अक्षुद्रांतर। एक 22 फुट लंबी है। अच्छा। अक्षुद्रांतर छोटी की, पतली होती है वो, इसलिए छोटी कह देते हैं। एक भृतांतर मोटी होती है, वो 6 फुट की होती है। 22 से 28 फुट की आते हैं। तो एक अमाश्य, जो थैली जिसमें खाया पिया जाता है। एक लीवर, ठीक है ना। तो लीवर, अमाश्य और छोटी बड़ी आँख, इनकी क्रिया की कमजोरी से कब्ज होती है। अच्छा। अगर आंतों में सूजन है, कब्ज रहने लग जाएगी। और अगर मैदे में कमजोरी है, अमाश्य में, तो कब्ज रहने लग जाएगी। लीवर कमजोर है तो कब्ज रहने लग जाएगी। अगर ये तीनों सबल हों तो कब्ज मिट जाएगी, कब्ज खत्म हो जाएगी। अब ये लोग क्या करते हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, ये कब्ज नाशक औषधि देते रहते हैं कब्ज वाले को। अच्छा। वो तो धक्के से लेटर उतारती है, क्रिया को नहीं सुधारती, आंत की, लीवर की, मैदे की क्रिया नहीं सुधरती। अच्छा। उससे तो वो टाइम पास स्टोरी है, कुछ साल होती रहे, फिर बाद में फिर उससे भी ज़्यादा तेज चाहिए, फिर उससे भी ज़्यादा तेज चाहिए। नित प्रति कब्ज नाशक औषधि लेने से आंतें दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाती। तो करे क्या, इस तरह कायम चूर्ण खाते हैं लोग। हाँ। बिल्कुल गलत है वो, मतलब उसके अंदर जुलाब की औषधियाँ हैं, जिस तरह सनाए है उसके अंदर काला दाना है, और उसके अंदर ये दंती है, जमाल गोटा है, एक निशोत है, ये दवाइयाँ डालते हैं वो भावनगर वाला सेठ। तो नहीं कहते खाओ और अपना बढ़िया रहो, वो नहीं नहीं बेरा, तू भट्ठा बिठा रहे हाथों का। रोज कब्ज देने से हाथ कमजोर हो जाती है, फिर वो सुधरे कौन सा भी नहीं। कायम चूर्ण खा लो, उसके बाद उसकी आँख ठीक नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, तो कैसे ठीक हो कब? आप आंतों को मजबूत करने की, आंतों को सूजन उतारने की औषधि दो, और मैदे को, लीवर को ताकत देने की औषधि दो। लीवर में सूजन है, कहीं को फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है ना, तो वो औषधि दो, उससे क्रिया ठीक होगी तो वो अपने आप कब्ज। ऐसी कोई एक दवाई नहीं है जो बताई जा सके, या है ऐसी कोई दवाई? हाँ, एक तो नहीं है, लेकिन यूँ है कि मतलब जिस तरह आंतों में सूजन है, ज़्यादा मेन कारण तो यही होता है, आंतों में सूजन। आंतों में सूजन, तो आंतों में सूजन के लिए जिस तरह शंखवटी है। अच्छा। महाशंखवटी है जी, ये वैद्यनाथ की आती हैं, गशांतक वटी, वो डाल दे, महाशंखवटी डाल दे। अच्छा, उसके अंदर नवाइस लो डाल दे, लीवर के लिए, ठीक है ना, मैदे के लिए। उसके अंदर जो है नी, ये ऐबे पत्ती कर चूर्ण डाल दे। अच्छा। उनकी पुड़िया बना के 2-3 महीने खा ले, वहाँ तो मजबूत हो जाएंगे, लीवर ठीक हो जाएगा, अपना आप कब्ज मिट जाएगी। हाँ। तो और नहीं, सामान्य कब्ज नाशक औषधि जो है ना। हाँ। वो त्रिफला अच्छा है। अच्छा, कैसे लेना चाहिए उसमें? फिर वो ना तो वो विरेचक औषधि, जुलाब भी नहीं है वो, और वो गुणकारी भी है, लेकिन त्रिफला जो आम बाजार में मिलता है ना। हाँ। बना बनाया चूर्ण, ये घातक है। अच्छा। वो तो बराबर की हरड़ भेड़ा आंवला बराबर का पीस के डाल देते हैं, लिख देते हैं त्रिफला चूर्ण। अच्छा, बराबर लोग भागते हैं, अरहड़ गर्म होती है जी। अच्छा। गर्मी बढ़ जाती है उससे। पित्त दोष गर्भवती नारी, ये न हरित की न भक्षत ब्यारी। पित्त दोष मैंने गर्मी वाले को। अच्छा। और गर्भवती नारी को अरहड़ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, उससे गर्मी बढ़ जाती है, गुण नहीं करता उतना। त्रिफला की कोई मात्रा होती है इसमें? हाँ, 100 ग्राम अरहड़ साल, 200 ग्राम भेड़ा साल, 300 ग्राम आंवला साल, न्यू ले ले। अच्छा। इस अनुपात से बनाया हुआ त्रिफला रसायन, उसको पीस लो, पीस लो उसको, और उसकी फिर उसकी फाकी ले ले अपना, सवेरे एक चम्मच श्याम ने ले ले। हाँ।
और बस यार ठीक है, सुबह शाम ले लो ठीक है, सुबह शाम सामान्य कब्ज ठीक है। हाँ सामान्य कब्ज, कब्ज है ही नहीं, वो कब्ज रहा ही नहीं। अच्छा वो ठीक है। कई आदमियों की आदतों में खुश्की होती है, मिंगन सी लेटना और वो खुश्की है, उसमें बादाम रोगन ठीक। अच्छा बादाम रोगन, हाँ कैसे पिए उसको? उसको दूध में डाल के रात को उसका एक चम्मच और ले लो, वो जिस्म के लिए दिल दिमाग के लिए भी मजबूत। गर्म दूध में बादाम रोगन, हाँ 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 एक चम्मच, एक चम्मच, उससे आँतों की जो खुश्की है वो दूर हो जाएगी, वो खुश्की दूर हो जाएगी। ये कितने के समय तक ले वो? वो ज्यादा खुश्की हो तो 6 महीने ले लो, थोड़ी खुश्की हो 2-3 महीने में ठीक हो जाए। मतलब नुकसान कोई नहीं है? नुकसान क्या था बादाम रोगन का? तो दिमाग भी वो तो दिमाग का टोनिक है। दोस्तों ये हैं वैद्य छबीलदास नेहरा जी, 80 साल की उम्र है, देख लो कैसे फूल से पड़े हैं। तो बहुत रोगों का इलाज किया है, कुछ बातें हमें भी बताई हैं। फिर मौका मिल गया तो नेहरा साहब से फिर बातें करके जाएंगे। आपको किसी स्पेशल रोग की जानकारी इनसे पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले इंटरव्यू में इनसे उनके जो नुक्ते हैं वो पूछ के आपको बता दूंगा।